तो अयोध्या में आज बड़ा दिन है। वीएचपी की तरफ से मंदिर निर्माण को लेकर धर्म सभा हो रही है, लाखों लोगों के पहुंचने का दावा है। ऐसे में अयोध्या में कल कैसा माहौल था, जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा ने इसका जायजा लिया। अयोध्या में एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ वीएचपी का समागम और तीसरी तरफ अब आप अयोध्या की सड़कों पर अचानक सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम देख सकते हैं। और खासतौर से ये गली जहां इकबाल अंसारी का घर है, इकबाल अंसारी सामने और उनके घर के बाहर अब आरएएफ, उसके अलावा यूपी पुलिस के जवानों की संख्या अचानक बढ़ाई गई है। यहाँ पर वीएचपी का बड़ा संत समागम है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर से लोग आएंगे। बीजेपी के नेता भी उसमें हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर ज़रूर उनकी उपस्थिति रहेगी। और उनको ये भी कहा गया है कि लोगों को लेकर के वहाँ पर पहुँचना है। बहरहाल इस सब के बीच बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, अयोध्या वैसी है नहीं। अयोध्या में ना तो किसी तरीके की दहशत का माहौल है, अयोध्या में ना किसी तरीके का भय का माहौल है, अयोध्या पूरी तरीके से शांत है। अयोध्या वैसी ही है जैसे कि अब से एक दिन पहले थी और वैसी ही रहेगी एक दिन बाद जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या में बड़ी हलचल को देखते हुए बाबरी केस के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इकबाल अंसारी ने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा जताया था, राहुल सिन्हा ने उनसे खास बातचीत की। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन जब आप अयोध्या में घूमते हैं तो आपको नजर आता है कि अयोध्या वैसी ही है जैसे कि इन सुर्खियों से पहले थी, शांत, बिल्कुल उसी गति से बढ़ती हुई। इकबाल अंसारी मेरे साथ हैं, मैं आपके पिताजी हैं हाशिम अंसारी, उनसे भी मिला था, आज आपसे मिल रहा हूँ। डर, दहशत, क्या इकबाल अंसारी को महसूस हो रही है अयोध्या में? देखिए, जो है डर और जो है जो भी आज आप देख रहे हैं ये सरकार की देन है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ी थी 92 में 90 में तब भी लोगों ने देखा है, आज भी भीड़ जो है आज भी लोगों ने देखा है। जब सरकार और कानून एक साथ काम करेगा तो कोई चीज़, कोई पत्ता नहीं हिलेगा। आज सरकार का रूल सबसे अच्छा रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि कहीं भी कोई घटनाएं नहीं हुई, इससे हम भी मुतमईन हैं कि सरकार पे बिल्कुल मुतमईन है कि सरकार अपना काम कर रही है, हमें भरोसा है। यहाँ से ना कुछ अलग तरीके के मैसेज जाते हैं, कुछ अलग तरीके की खबरें जाती हैं। अब ये जाना शुरू हुआ कि यहाँ से मुस्लिम परिवार जो है वो घर से ताला लगा के निकल रहे हैं, यहाँ पर माहौल बड़ा ऐसा होता जा रहा है जो असहज हो रहा है। क्या आपके दिमाग में वो दहशत है, आपके दिमाग में वो डर है? देखिए, जब भीड़ बढ़ती है तो हर आदमी डरता है। आप भी अगर इस मोहल्ले जो है मोहल्ले में अयोध्या में रहते तो आप भी डरते। अगर सरकार को कोई अंदेशा ना होता तो इतनी बैरिकेडिंग, इतनी फोर्स, ये जो जितनी भी लगाई जाती है ये सरकार अपने हिसाब से लगाती है। इनके पास जो है मीडिया है, सीआईटी है, सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार अपना काम करती है। हम सरकार को जो है मानते हैं, अगर जहां कानून का राज रहेगा वहां कोई घटनाएं नहीं होंगी। अभी पूरी तरीके से भरोसा है आपको सरकार पे? भाई, सरकार पे अगर भरोसा ना होता तो हम जो भरोसा क्या, हम देख रहे हैं जो सच्चाई हम जो है लोगों ने बताया, सरकार ने उसका इंतजाम किया, आज उसका नज़ारा भी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने इंतजाम किया, तो आज का दिन बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक गुजरा।